हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, मैं जो बनारस से गेंदे का पौधा लाई थी उसका दो फ्लावर तोड़ के हम उसी में रख दिए थे दोस्तों, और मिर्च भी रख दिए थे। यही एक छोटा सा वो था, मिटकी था उसी में, ना मालूम चूहा हुआ उठा ले गया क्या, मिल नहीं रहा है, कितना खोजे नहीं मिला दोस्तों। ये देखिए छत पे लाए हैं सब। ये प्याज का छिलका है, मांगे थे वो जो है सो हमने, सब्जी की दुकान है दोस्तों। ये सब देखिए अंकुरित है प्याज, इसको लगा देंगे, जम जाएगा। आलू भी देखिए जम रहा है, जो सड़ा था उसका निकाल दिए हैं, इसी तरह से मिट्टी में रख देंगे दोस्तों, जमना रहेगा तो जम जाएगा। और इस प्याज के छिलके को चाहे पानी में भिगो के उसका पानी पौधे में डालेंगे वो भी ठीक रहेगा। ये देखिए अभी इसको निकालना है इसके अंदर का सब। और इधर देखिए ये संतरा का छिलका मांगे थे, आया था वो। कीवी भी हम लोग लेते हैं फल वाले से ना, तो वो मांगते हैं तो दे देता है अगर जाता है। ये देखिए सेम का बीज भी निकला है सब्जी का, जो ये छिलका आज हमारे हस्बैंड लाए थे, मंगाए थे एक झोला, ख़राब रखी थी वो गाय को देने के लिए, तो थोड़ा सा दी थी। इसमें देखिए सेम का बीज। और ये देखिए बहुत अच्छा फ्लावर इसका होता है दोस्तों, ये बीज भी सूख गया है एकदम, देखिए पक गया है। और ये भी बीज है, हम लाए थे वहाँ से नर्सरी से, बनारस से लगाए, एक भी लगा नहीं। वो बता रहा था कि जो नर्सरी वाले भैया थे वो कह रहे थे कि ये लगेगा बरसात में। अभी सब रख दिए हैं बीज, देखिए ये भी है सब, ये तो हमारे घर का बीज है सब। ये भी देखिए प्याज व्याज है लगाने के लिए रखे हैं इतना। इधर देखिए पूरा, बाप रे बाप, एकदम जड़ आ गया है, नहीं लगा पाए इसको हम। डिब्बा में सब काट कूट के रखे हैं। चलिए दिखा दें, अभी को नीचे काम करके आए हैं, बेटी भी जा रही है अपने काम पे, इसलिए टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, थकाई भी लग जाता है, क्या करें। ये देखिए निकल रहा है कल्ला अच्छे से। और गेंदे का प्लांट भी देख लीजिए, इतना बड़ा हो गया। धूप बहुत तेज लग रहा है, एक मिर्च मेरे पक गई। हम वो वाला गेंदा सोचे थे दोस्तों कि रखे हैं बीज, लगा देंगे, ना मालूम चूहा उठा ले गया क्या हुआ, इतना खोजे मिला भी नहीं। कपड़ा भी एक बाल्टी देखिए डालने के लिए रखे हैं, अब डाल देंगे तो छाया हो जाएगा, गेहूं भी नहीं सूखेगा अच्छे से। और प्लांट में मेरे धूप भी नहीं लगेगा। ये देखिए जिधर धूप लग रहा है दोस्तों उधर ही प्लांट का सब मुंह है, देखिए पालक वालक का। आज अभी पानी उनी नहीं डाले हैं, वही हम अपना खोज रहे थे बीज। बिल्ली रानी को ज़रा देख लीजिए, क्या आराम से बहुत जगह दोस्तों ये ना लेटरिन कर देती है, हमको साफ करना पड़ता है। इधर देखिए हल्दी का पौधा, यहीं पे देखिए दोस्तों हम रखे थे गेंदे का बीज तोड़ के रख दिए थे, दोनों बीज मेरा दोनों गायब हो गया, नहीं मिला। प्लांट इधर रख दिया, और हम दोस्तों इधर धूप लग रहा है अच्छे से, वो देखिए फिर खिल रहा है, अब ले जाके नीचे रखेंगे या नहीं रखेंगे, पता नहीं कहाँ गायब हो जा रहा है। अगर कोई आके नुकसान करता दोस्तों ना, तो और भी चीज़ मेरा तोड़ता, सिर्फ बीज गायब हुआ है। ये देखिए आज इसका बीज तोड़ दिए इतना, अब अच्छे से फ्लावर होगा। और नुकसान कोई करता तो और भी चीज़ मेरा नुकसान करता, लेकिन देखिए इसमें मिर्च उर्च है कोई कुछ नहीं मेरा तोड़ा, सिर्फ फूल लेके गया है, तो वो चूहा हुआ होगा और कोई नहीं। इधर देखिए ये बड़ा हो रहा है धीरे धीरे बीज से दोस्तों, ये तैयार हुआ है मेरा पौधा। और
उधर का भी पौधा सब सही से चल रहा है। आज सुबह सुबह एक दोहा दोस्तों हम पढ़े हैं, आप लोगों को सुनाएंगे, आप लोग सुनिएगा। हम लोग काम धाम में इतने व्यस्त रहते हैं दोस्तों कि भगवान का नाम भी नहीं ले पाते। गार्डनिंग करते करते हमें भगवान का नाम भी लेना चाहिए दोस्तों। अभी आपसे हम शेयर कर रहे हैं। पहले मैं ना जब रहती थी वहाँ जहाँ पे मेरे पिताजी सर्विस किया करते थे मिर्ज़ापुर में दोस्तों, बैठ जाए स्टूल पे तब कहें, तो वहाँ पे हनुमान चालीसा मैं रोज़ जाती थी। मंदिर था पीछे हमारे घर के, तो दौड़ के जाती थी। जब प्रसाद वरसाद बढ़ता था तो मैं प्रसाद लेके तुरंत घर आ जाती, और स्कूल से आती तो हनुमान चालीसा में पढ़ने के लिए दोहा मुझे पूरा याद था। मैं वीडियो बनाई हूँ दोस्तों, उसमें मैं हनुमान चालीसा पूरा लिख के अपने मन से पूरा लिखी हूँ और गाई भी हूँ दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, रात गवाई सोए के दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए, कबीरा कौड़ी बदले जाए। कबीर दास जी कहते हैं, हे मनुष्य तुम्हें 84 योनियों में भटकने के पश्चात ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, जिसके फल स्वरूप तुम ईश्वर भक्ति कर सकता है, परंतु तू है मात्र खाने पीने सोने और धन संचय करने में अपना हीरा जैसा जन्म कौड़ी के भाव बर्बाद कर रहा है। इसलिए मोह माया को त्याग और ईश्वर के शरण में जाओ। देखिए दोस्तों कितना अच्छा, हम लोगों को ये सब भी देखना चाहिए मोबाइल पे दोस्तों, कितना बढ़िया बात बोले हैं कबीरदास जी कहे हैं। सोचिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ये मनुष्य का तन हम लोगों को मिला है दोस्तों। अभी ये सब बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि इतना मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है। सचमुच देवता भी मनुष्य का जन्म जो है दोस्तों लेने के लिए तरसते हैं, धरती पे आने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए दोस्तों कि हमारे जैसे कि हमारे न रहने पे लोग हमें याद करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चले थोड़ा सा खेती बाड़ी कर लें, लहसुन ला के रखे हैं दोस्तों, अभी हम लहसुन भी नहीं लगाए, देख लीजिए बड़ा बड़ा पूती जितना था सब हम अलग कर दिए हैं। अब एक सरसों का जो है उसमें से उपारे हैं ना, उसी में चलेंगे, आज थोड़ा सा गाड़ देंगे। प्याज भी लाए हैं गाड़ने के लिए, मिट्टी में उसको गाड़ेंगे। आराम करने का नहीं टाइम मिलता दोस्तों, एकदम अगर आराम करें तो काम पीछे हो जाता है। अब बरामदे में चल रहे हैं कपड़ा डाल देने, हवा हवा लगेगा, उतना ज़रूरत नहीं है कपड़े का। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का दोस्तों कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए रिप्लाई जल्दी नहीं करते हैं हम। कई बार आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ने से दोस्तों ना जैसे एनर्जी आ जाती है शरीर में, और भी जैसे काम करने में मन लगता है। रिप्लाई तो करेंगे ही, एक एक दो दो रिप्लाई धीरे धीरे करते रहेंगे। ये आप लोग मत समझिएगा कि कमेंट का रिप्लाई ही नहीं करती है, ये तो मत समझिएगा एकदम। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।